बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड ग्रेविला के भाई को ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया। ग्रेविला के भाई का नाम अगिशिलाओस है, जिन्हें शनिवार को मुंबई और गोवा की एनसीबी ने और ज्वाइंट ऑपरेशन कर गिरफ्तार किया है। अभिनेत्री कंगना रनावत की फिल्म थलाइवा 2 हफ्तों तक सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेरने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के लिए तैयार है। जी हां, कंगना रनावत की यह फिल्म आज 25 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो गई है। वहीं एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों रश्मि रॉकेट को लेकर काफी चर्चा में बनी हुई है। कुछ दिन पहले उनकी फिल्म रश्मि रॉकेट का ट्रेलर रिलीज हुआ था। ट्रेलर देखने के बाद इंडस्ट्री के तमाम दोस्त तारीफ कर उनकी सराहना कर रहे हैं। इसी कड़ी में विकी कौशल, भूमि पेडनेकर, अनुराग कश्यप ने ट्वीट कर तापसी की खास तारीफ की है। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2021 के लिए नॉमिनेशन की घोषणा हाल ही में हुई थी और इस अवार्ड के लिए मशहूर वेब सीरीज आर्या को बेस्ट ड्रामा सीरीज कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। आर्या एक क्राइम ड्रामा सीरीज है। इसमें सुष्मिता सेन, सिकंदर खेन, चंद्रचूर सिंह, नमित दास, अंकुर भाटिया और विकास कुमार ने अभिनय किया है। इस सीरीज को राम माधवानी, संदीप मोदी और विनोद रावत ने मिलकर डायरेक्ट किया है। जैकलिन फर्नांडिस 200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में ईडी के सामने नहीं पेश हुई।